अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज़ कुरैशी। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा मुबारक। दुआओं में ख़ास कर याद रखना। और आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान सहरी स्पेशल भेजा फ्राई की रेसिपी। कढ़ाई के अंदर तेल ले लेना है। तो गाइस, भेजा फ्राई करने में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और तेल गर्म होने के लिए रख देना है। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने 3 बड़ी प्याज है वो काट के डाल दिया है। और प्याज को हमको ब्राउन कर लेना है, जैसे हम बलिश्ता बनाते हैं ऐसे प्याज को ब्राउन कर लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हो प्याज ब्राउन हो चुकी है, यानी पूरा बलिश्ता बन चुका है। अब इसके अंदर हमको अदरक लहसुन डाल देना है। तो अदरक लहसुन अपने हिसाब से डालिएगा और अच्छे तरीके से प्याज के साथ अदरक लहसुन की भुनाई कर देना है, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से भुन जाए। अब इसमें हमको डाल देना है 1.5 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची। ये डालकर अच्छे तरीके से सब चीज़ की भुनाई कर लेना है। और माशाल्लाह से देखें आप, कलर बहुत अच्छा आ गया है। इसमें हमको थोड़ा सी पानी डालना है, और थोड़ा सी पानी डालने के बाद फिर से हमको अच्छे तरीके से सब चीज़ों को भून लेना है। तो गाइस, इसमें मैंने 1 टमाटर काट के डाल दी हूँ। इसमें लोग खटाई भी डालते हैं, लेकिन खटाई की जगह पे आप 1 छोटा टमाटर भी डाल लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह से देख सकते हो कि सारा मसाला अच्छे तरीके से भून गया है। एक भेजा है जिसमें मैंने हल्दी, अदरक, लहसुन, नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और 5 से 6 हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल देना है। और डालकर इन नमक डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब कभी भी आप बनाएं भेजा फ्राई, तो इसी तरीके से बनाएं, खाने में भी बहुत ही लाजवाब रहता है। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हो। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो माशाल्लाह से भेजा फ्राई बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सहरी में बनाकर ज़रूर खाएं, इसको पराठे के साथ आप खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, दुआओं में याद रखना।